दूसरा विश्व युद्ध अब तक के सबसे निर्दयी और दिल दहला देने वाला वो दौर था। इस जंग में न जाने कितने बेगुनाह लोग मारे गए और कितने देशों की संपत्ति का नुकसान हुआ। कितने ही जवान और सैनिक शहीद हुए, पर फिर भी कुछ ताकतवर देश अपने फायदे के लिए बस जंग करते रहे। आज की कहानी एक ऐसे ही रूसी जवान की है जो अपने मुल्क की खातिर, अपने प्यार और अपनी जान की परवाह किए बिना मुल्क के लिए हमेशा कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता है। कैसे वो जंग लड़ता हुआ अपने दुश्मन देश जा पहुंचा और अपने दोनों पैर खो देने के बावजूद उसने हार नहीं मानी। मूवीज ट्राइब के पिटारे से आज एक और बेहतरीन कहानी सुनने वाले हैं। 2021 की रशियन फिल्म द पायलट अ बैटल ऑफ सर्वाइवल, डायरेक्टर रेनार्ड डेवलेट्रियोफ, IMDb 6.1। दोस्तों, हमारी एमटी फैमिली 3 लाख पूरे होने में बस कुछ ही दूर है। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहाँ तक पहुँचे हैं। हमसे कहानी सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शेयर, हर्ट्स, कमेंट्स पक्के से करें। जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा ना करें, सब्सक्राइब तो कर दो। आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहेंगे यार। तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहानी सुनते हैं। साल है 1941, जब पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। रूस के शहर मॉस्को के गलियों में निकोलाय घूम रहा है। निकोलाय रूस के वायुसेना का एक जवान है जो कुछ दिनों की छुट्टियां मनाने अपने घर आया है। रास्ते में घूमते हुए उसने देखा कि दो लोग मिलकर एक लड़की से उसका पर्स और सामान जबरदस्ती छीन रहे हैं। इससे पहले कि निकोलाय लड़की की मदद के लिए आता, उसके हाथ में बंदूक देख वो लोग वहां से भाग खड़े हुए। निकोलाय को पहले ही नजर में उस लड़की से प्यार हो गया। उसने उस लड़की से पूछा, आप चाहे तो मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, लड़की ने कहा। इस तरह रही निकोलाय और ओल्गा की पहली मुलाकात। इसके बाद कभी कभी रास्ते में दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ जाती और ऐसे ही दोनों बन गए एक अच्छे दोस्त। कुछ दिनों बाद ओल्गा ने बताया कि वो एक गायक है और बड़े बड़े संगीत समारोह में अभिनय भी किया करती है। कभी कभार की ये मुलाकात अब रोज में तब्दील हो गई। दोनों में प्यार हुआ और फिर शादी करने का फैसला। मगर इन सबके दौरान निकोलाय को एक बार फिर जंग का बुलावा आ गया। जंग में जाने से पहले दोनों एक बार मिले। ओल्गा बोली, हो सके तो अपना काम जल्दी खत्म करके मेरे पास लौट आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। निकोलाय ने भी वादा किया कि चाहे जो हो जाए मैं जरूर तुम्हारे पास वापस आऊंगा। इतना कहकर वो जंग के लिए रवाना हो गया। दूसरी तरफ जर्मन टैंक्स के साथ बहुत सारे सिपाही रूस में घुसपैठ करने की कोशिश में लगे हैं। जर्मन के इस गतिविधियों को रोकने के लिए रूस ने 2 बॉम्बर जहाज भेजे हैं, जिसमें से एक जहाज कप्तान निकोलाय चला रहा है जो पीछे बैठे अपने दोस्त के साथ पश्चिमी मोर्चे की तरफ रवाना हो गया, जहां जर्मन की फौज घुसपैठ करने की कोशिश में है। निकोलाय उसके साथी ने मिलकर जर्मन के बहुत सारे टैंक्स और सैनिकों को मार गिराया। जब वो वापस अपने कैंप आ रहे होते हैं तभी वहां अचानक 3 जर्मन विमान ने उन पर पीछे से गोलियां चलानी शुरू कर दी। विमानों के घमासान युद्ध के बीच एक जर्मन और एक रूस का विमान ध्वस्त हो गया। निकोलाय जिस विमान को उड़ा रहा था उसके फ्यूल टैंक में गोली लगने से उसका सारा फ्यूल जल्दी जल्दी खाली होने लगा। निकोलाय ने पीछे बैठे अपने साथी से कहा, हमें अब जल्दी से विमान को क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ेगी वरना हम मारे जाएंगे। ये कहकर निकोलाय ने एक खाली जगह में विमान की क्रैश लैंडिंग करवाई और ये जर्मन के सैनिकों ने देख लिया। उनको बंदी बनाने के लिए वो उनके विमान का पीछा करने लगे। इधर निकोलाय और उसका दोस्त क्रैश लैंडिंग के बावजूद सुरक्षित तो थे, मगर अब वो जर्मन के इलाके में आ चुके हैं। कुछ ही देर में जर्मन के सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। निकोलाय का साथी विमान में लगे बंदूक से उन पर गोलियां चलाने लगा और बहुत से जर्मन सिपाहियों को मार गिराया। दोनों इस जगह से निकलने में कामयाब तो हुए, मगर उनके पीछे जर्मन की पूरी सेना लग चुकी है। भागते भागते एक बॉम्ब निकोलाय के बिल्कुल करीब से फटा और वो बेहोश हो गया। उसका दोस्त उसे अपने कंधे पर उठाकर पास के जंगल की तरफ भागने लगा। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक नदी मिली जिसे पार करना बहुत मुश्किल मालूम पड़ रहा है और पीछे जर्मन की पूरी फौज उन्हें पकड़ने के लिए आ रही है। आगे कोई रास्ता न पाकर निकोलाय के साथी ने उसे एक बर्फ के टुकड़े पर रखकर नदी की तरफ ढकेल दिया और खुद बंदूक लेकर जर्मन की फौज से अकेले लड़ने रुक गया ताकि निकोलाय कुछ दूर आगे निकल सके। लेकिन एक अकेला पूरी फौज के सामने कहां टिक पाएगा? गोलियों की तेज आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकोलाय का दोस्त अब नहीं रहा। इसके बाद वो निकोलाय के ऊपर भी गोलियां चलाने लगे। तभी निकोलाय को होश आ गया
और वो जल्दी से नदी में कूदकर भागने लगा। पीछे से सिपाही लगातार गोलियां चला रहे हैं, जिसमें से एक गोली निकोलाय के पैर में जा लगी। पैर में लगी चोट की तकलीफ से उसकी रफ्तार धीमी होने लगी। किसी तरह वो दुश्मनों से तो बच गया, लेकिन नदी में भीगने और शदीद ठंड के कारण उसका हाल काफी बुरा है। ठंडी से कपकपाते हुए उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, उनमें आग लगाकर खुद को किसी तरह संभाला और अपने भीगे कपड़े को उसी आग में सुखाने लगा। वो ये सोचकर काफी डरा हुआ है कि अब वो अपने दुश्मनों के इलाके में है। पैर में गोली भी लगी है, जिस कारण वो ठीक से भाग भी नहीं सकता। कैसे और कब तक वो अपने मुल्क पहुंचेगा? कौन सा रास्ता उसे रूस की तरफ ले जाएगा? उसे कुछ भी नहीं मालूम। यही सब सोचते हुए एक नक्शा निकालकर वो देखने लगा। तभी उसे अचानक ओल्गा की याद आ गई और याद आया वो आखिरी वक्त, उससे किया वो वादा, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। यही सारी बातें याद कर उसने अपने अंदर एक हिम्मत बनाई और अगली सुबह फिर से चलना शुरू किया। पैर में गोली लगने के कारण उसे चलने में काफी तकलीफ हो रही है। ऊपर से बर्फ की मोटी परत पर चलते चलते वो काफी थक चुका है। उसके पास ना तो खाना है और ना पानी। उसके मन में बस एक ही आवाज गूंज रही है, उसे जल्द से जल्द अपने मुल्क जाना है। 3 दिनों तक ऐसे ही चलने के बाद वो काफी थक गया। वो बर्फ के नीचे दबी हुई घास फूल पत्ती खाने लगा और बर्फ को किसी तरह पिघलाकर उसका पानी पीता, लेकिन ये सारी चीजें उसके शरीर की भूख नहीं मिटा पा रही। उसमें अब और चलने की ताकत नहीं बची। एक जगह आग जलाकर वो उस रात वही आराम करने लगा। तभी जंगल से एक भेड़िए ने उस पर हमला बोल दिया। निकोलोई ने खुद को बचाते हुए उसे जलती हुई आग में ढकेल दिया। उस वक्त के लिए तो वो भेड़िया वहां से भाग गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भेड़िया अपने पूरे समूह के साथ निकोलोई को चारों तरफ से घेर लेता है। इस जलती हुई आग की वजह से ही भेड़िया उसके करीब आने से डर रहे हैं। फिर निकोलोई ने अपनी फायर गन से उन पर हमला किया और वो सब डर कर वहां से भाग गए। इन सारी चीजों से वो काफी डरा हुआ है और ना ही रात को वो सो पाया। अगली सुबह वो फिर अपने घायल पैर लिए धीरे धीरे चलने लगा और एक बार फिर भेड़ियों का समूह उसके पीछे पड़ गया। उनसे बचते बचाते भागते हुए उसकी नजर एक बेस कैंप पर पड़ी, जो कि जर्मन सैनिकों का है। निकोलाय एक बार फिर बुरी तरह फंस गया, पीछे भेड़िए और सामने जर्मन्स। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब वो करे तो क्या करे। तभी उसने देखा कि रूस के विमान जर्मन बेस कैंप पर बॉम्ब गिरा रहे हैं। उस तबाही में सारे जर्मन सिपाही मारे गए। इधर बॉम्ब और गोलियों की आवाज सुनकर भेड़िए भी भाग खड़े हुए। निकोलाय एक बार फिर बहुत बड़ी मुसीबत से बच निकला। उसने अपने आगे का सफर जारी रखा, मगर बिना खाए पिए उसकी हालत काफी खराब हो चुकी है। इस तरह कुछ दिन चलने के बाद नदी के किनारे उसे बर्फ में जमी हुई मछली मिली। निकोलाय इतना भूखा था कि उसने उसे कच्चे ही खाना शुरू कर दिया। शाम होते होते उसने फिर आग जलाई और आराम करने लगा। निकोलाय ने अपने पैर का जख्म देखा तो वो बुरी तरह से सड़ना शुरू हो चुकी है, जिस कारण उसे बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ हो रही है। अगली सुबह दर्द के मारे वो चलने के बजाय रेंग रहा है और ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो भेड़िए अभी तक उसके पीछे पड़े हैं। भेड़ियों को देखने के साथ ही वो जल्दी जल्दी रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उस गड्ढे में कुछ नोकीली लकड़ियां थी जो उसके हाथ और पैर में घुस गई। हो सकता है ये गड्ढा किसी शिकारी ने बनाई हो। खैर, गड्ढे में गिरने की वजह से एक चीज अच्छी हुई कि भेड़िया निकोलाय पर हमला नहीं कर पा रहे। वो सारा दिन उसी गड्ढे में ही पड़ा रहा, मगर जैसे ही रात होनी शुरू हुई ठंड और ज्यादा बढ़ने लगी। ठंड से बचने के लिए उसने खड्डे में ही आग जला ली। आग देखकर एक भेड़िया ने निकोलाय पर हमला कर दिया, पर उसने एक नोकीली लकड़ी लेकर उल्टा उस भेड़िया को ही मार डाला और खुद भी वही बेहोश हो गया। होश आने पर उसने देखा एक बूढ़ा आदमी उसे अपने साथ घोड़ा गाड़ी में लेकर कहीं जा रहा है। रास्ते में जर्मन सेना ने उन्हें रोका और उसकी गाड़ी की तलाशी लेने लगे। निकोलाय को उस बूढ़े ने बहुत ही अच्छी तरह से घास के नीचे छुपा कर रखा है, जिस वजह से वो सिपाहियों की नजर में नहीं आया। अब बूढ़ा उसे अपने घर के नीचे बने तहखाने में ले गया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ देर बाद जब उन्होंने उसके जख्मों को देखा तो वो आपस में बातें करने लगे। हम इसे नहीं बचा सकेंगे, इसे जल्द से जल्द किसी अस्पताल में दाखिल करना होगा। तभी कुछ जर्मन सिपाही वहां आए। असल में वो बूढ़ा एक लोहार है, बंदूक वगैरह भी बनाना आता है,
इसलिए जर्मन के सिपाही उससे अपने हथियार की मरम्मत करवाने आए हैं। बूढ़ा काम करने लगा कि तभी तहखाने से किसी के खांसने की आवाज सुन जर्मन सिपाही ने बूढ़े से पूछताछ शुरू कर दी। बूढ़ा बोला, यहाँ बहुत चूहे हैं, तो आपने उसी की आवाज सुनी होगी। और उसी वक्त उनके सामने से एक चूहा गुजरा। सिपाहियों ने उस वक्त के लिए उसकी बात मान ली। काम होने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए, मगर थोड़ी ही देर बाद वो वापस आए और बूढ़े के घर की तलाशी लेने लगे। फिर उनकी नजर तहखाने पर पड़ी, लेकिन ये क्या, अंदर तो कोई भी नहीं है। दरअसल बूढ़े को पहले ही अंदेशा हो चुका था कि जर्मन सिपाही वापस जरूर आएंगे, इसलिए उसने निकोलाई को घर के पीछे वाले रास्ते अपने दो बेटों की मदद से निकाल दिया था। इधर निकोलाई बिल्कुल बेहोश पड़ा है और वो दो लड़के उसे एक लकड़ी के तख्ते पर लिटा कर खींचते हुए उसे वहाँ से ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जर्मन सिपाहियों को खाली तहखाना देख बूढ़े के ऊपर पूरा शक हो गया। उसे और उसके पूरे परिवार पर उन्होंने बहुत जुल्म किए और बाद में ये भी पता लगा लिया कि उसने उसे भगाया है। देश से गद्दारी के जुर्म में बूढ़े समेत उसके परिवार को बहुत बेरहमी से मार डाला और उस घर को आग लगा दी। फिर वो निकोलाई की खोज में उसके पीछे लग गए। इधर वो लड़के निकोलाई को जंगल के रास्ते काफी दूर लेकर आ चुके हैं, लेकिन बर्फ पर चलने के कारण उनके पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। सिपाही उसी निशान का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद बहुत तेज बर्फीली तूफान आई और उनके पैरों के निशान मिट गए। अब सिपाहियों को उन्हें ढूंढने में मुश्किल होने लगी और इधर उन लड़कों को भी तूफान की वजह से रास्ता ढूंढने में काफी दिक्कत आने लगी। वो निकोलाई को एक पेड़ के पास छोड़कर आगे का रास्ता देखने कुछ दूर निकले। उनके जाने के बाद निकोलाई को होश आया, पर कमजोरी और दर्द के कारण वो उठकर बैठ भी नहीं पा रहा। वो वही लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सिपाही आया और ये देखने कि वो जिंदा है या मरा उसके करीब आया। उसी वक्त निकोलाई ने अपनी बंदूक से उस सैनिक को मार गिराया। जब उन लड़कों ने वापस आकर देखा कि सामने एक जर्मन सिपाही मरा पड़ा है, वो दोनों काफी घबरा गए और आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, हमने इस जवान को अपने साथ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो इसके साथ साथ अब हमें भी मार डालेंगे, हमें इसे यही छोड़कर पहले अपनी जान बचानी चाहिए। पर दूसरे लड़के ने उसे समझाया, हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हमें इसे रूसी बेस कैंप तक लेकर जाना ही पड़ेगा। इसी बात पे दोनों की तूतू मैमे हो गई और वो लड़का अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गया। इधर दूसरा लड़का अकेले ही निकोलाई को बहुत मशक्कत कर बर्फ में घसीटता हुआ रूसी बेस कैंप की ओर चल रहा है। जो लड़का सिपाहियों के डर से भागा था, उसे जर्मन्स ने रास्ते में पकड़ लिया और वो मारा गया। इधर अकेले निकोलाई को खींचता हुआ वो लड़का आखिरकार रूस और जर्मन की सीमा पर पहुंच गया। दोनों देशों के बीच घमासान युद्ध चल रही है। वो लड़का किसी तरह रेंगता हुआ निकोलाई को लेकर बेस कैंप की तरफ बढ़ने लगा। अगर वो उस जगह खड़ा हो गया तो दोनों देशों में से किसी की भी गोली उसे लग सकती है। इसी वजह से वो बड़ी मशक्कत का सामना करते हुए रेंगता हुआ निकोलाई को सीमा के उस पार छोड़ आया। रूस के सिपाहियों ने निकोलाई को रूसी सैनिक के पोशाक में पहचान लिया और जल्दी से उसे अपने बेस कैंप ले गए। निकोलाई को सही सलामत कैंप तक पहुंचाकर उस लड़के को काफी सुकून और खुशी हुई और भूल बैठा कि वो अभी भी सीमा पर है जहां अभी जंग चल रही है। और जैसे ही खड़ा हुआ जर्मन की तरफ से चली एक गोली उसकी पीठ को चीरती हुई सामने से निकल गई। वो वही मारा गया। उसने निकोलाई की जिंदगी तो बचा ली, मगर खुद की बचाने में नाकामयाब रहा। मानो जैसे इसी काम के लिए ही वो अब तक जिंदा था। निकोलाई को बेस कैंप से निकालकर तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसका इलाज शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद जब उसे होश आया तो देखा पैर के जख्म सड़ जाने के कारण उसके पैर काट दिए गए हैं। खुद को ऐसी हालत में देख वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गया। पास ही एक बैठा जवान बोला, युद्ध के कारण मैंने भी अपने एक हाथ खो दिए। आज जो हम जिंदा है यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तुम ये सोचो कि युद्ध के बाद तुम्हें एक नई जिंदगी मिली है। थोड़ा धीरज रखो, समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर जो शख्स एक समय हवाई जहाज उड़ाता, अपने दुश्मनों को धूल चटाता था, आज वही बिल्कुल एक लाचार जैसे बिस्तर पर पड़ा है। यही सोच सोच कर निकोलाई ज्यादातर समय उदास रहने लगा। जब वो सोता तो उसे वो घटनाएं याद आ जाती जो उसके साथ घटी थी। वो डर, वो आतंक अब भी इतना गहरा है कि वो नींद से जाग पड़ता। एक दिन उसने तय किया कि वो उल्का को खत लिखेगा और उसे सारी बात बता देगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी उसे ख्याल आया, मेरे तो पैर ही कट चुके हैं, मैं अब एक लाचार हूँ, मेरी जिंदगी अब बेकार है,
लेकिन ओल्गा उसकी जिंदगी में बर्बाद नहीं करना चाहता, और हो सकता है मुझे ऐसी हालत में देखकर वो मुझे छोड़कर चली जाए। इसी डर से उसने ओल्गा से संपर्क करने की कोशिश छोड़ दी। पर दूसरी तरफ ओल्गा निकोलाय को हमेशा खत लिखती और उसके जवाब का इंतजार करती रही। कुछ महीने गुजर गए। निकोलाय की सेहत भी पहले से अब काफी बेहतर है। डॉक्टर ने उसे प्रोस्थेटिक लेग्स यानी रबर के बने नकली पैर दिए हैं, जिसके इस्तेमाल से वो फिर से चल फिर सकता है। लेकिन निकोलाय को अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसने सारी आशा छोड़ दी है और इसीलिए उसने नकली पैरों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। अब एक दिन अस्पताल में सैनिकों के मनोरंजन के लिए संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। सभी सैनिक नीचे उस समारोह में गए हैं। सिर्फ निकोलाय अकेला ही अपने बिस्तर पर उदास लेटा वही सारी पुरानी बातें को सोच रहा है। यहाँ समारोह में सभी गायकों का नाम पुकार कर उन्हें स्टेज में आमंत्रित किया जा रहा है, जिसमें से एक नाम ओल्गा का भी लिया गया। जैसे ही ओल्गा का नाम पुकारा गया, निकोलाय उसे देखने के लिए बिल्कुल हड़बड़ा सा गया। वो देखना चाहता है कि क्या ये सच में मेरी ओल्गा ही है। और आज पहली बार वो अपने नकली पैरों का इस्तेमाल करके उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। पर उसने इतने दिन बस लेट कर गुजारे थे और न नकली पैरों का अभ्यास होने की वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन उसके अंदर ओल्गा को देखने की बेचैनी को आज कोई चीज नहीं रोक सकती। वो किसी तरह रेंगता हुआ खिड़की के पास पहुंचा और अपनी ओल्गा को देखने लगा। आज इतने महीनों बाद अपने प्यार को देखकर उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर हताश होकर बैठ गया, क्योंकि इतने दिन बाद अपने प्यार को देखने के बाद भी वो उसे बात नहीं कर सकता, उसे मिल नहीं सकता, उसे छू नहीं सकता या करना नहीं चाहता। बस उसे दूर से जी भर कर देख ही सकता है। ये भी उसके लिए बहुत था। आज ओल्गा ने उसके मन में कहीं ना कहीं एक आशा, एक उम्मीद, एक चाह जगा दी है कि वो फिर से अपने पुराने जिंदगी में लौटना चाहता है, जिसके लिए वो रोज हद से ज्यादा चलने का अभ्यास करने लगा। वो इस कदर अभ्यास करता कि एक दिन डॉक्टर ने भी उसे कह दिया, तुम इतना अभ्यास मत किया करो, तुम्हारे जख्म अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, अगर तुमने ज्यादा जोर लगाया तो सिलाई टूट सकती है, जिससे तुम्हारी परेशानी बढ़ जाएगी। निकोलाय बोला, मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस लौटना चाहता हूँ डॉक्टर, फिर से जहाज उड़ाना चाहता हूँ, अपने दुश्मनों को हराना चाहता हूँ, अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और इसके लिए अगर मुझे थोड़ी तकलीफ भी सहनी पड़ी तो मैं सहूंगा। निकोलाय ने अब वर्जिश करना शुरू कर दिया, अपने आप को मजबूत बनाने लगा और साथ ही रोज चलने का भी अभ्यास करता। एक दिन वो अस्पताल के पार्क में टहलने निकला और अचानक उसका सामना ओल्गा से हो गया। निकोलाय को वहाँ देख वो एकदम हैरान हो गई और बोली, मैं कितने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे लगा तुम शायद अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर तुम तो जिंदा हो और तुम्हारे हाल भी ठीक नजर आ रहे हैं, तो क्यों तुमने मुझे आज तक कोई खत नहीं लिखा। निकोलाय ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, मैं नहीं जानता कि इस वक्त मैं तुम्हें क्या बोलूं। ये बात सुनकर ओल्गा को काफी गुस्सा आ गया। उसे लगा निकोलाय शायद अब उससे रिश्ता नहीं रखना चाहता और वो वहां से जाने लगी। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसने दो डॉक्टर को आपस में बात करते सुना, मैंने तीन तीन ऑपरेशन किए ताकि किसी तरह निकोलाय का पैर न काटा जाए, मगर उसके जख्म इस कदर सड़ चुके थे तो बहुत मजबूरी में मुझे उसके पैर काटने पड़े। डॉक्टर्स की बात सुनकर ओल्गा को सब साफ साफ समझ आ गया कि क्यों निकोलाय ने उसे खत नहीं भेजे, कि कितना मजबूर था वो, क्या गुजरी होगी उसके ऊपर। वो फौरन पीछे मुड़ी और देखा निकोलाय उसे ही देख रहा है और उसकी आंखें नम है। वो दौड़कर उसके पास गई और कस कर उसे गले से लगा लिया। इतने दिनों बाद आज दो प्यार करने वाले मिले हैं, दोनों अपने जज्बात को छुपा ना पाए। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली और एक साथ जिंदगी गुजारने लगे। पर निकोलाय अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना चाहता है, उसे अपने देश के लिए फिर से लड़ना है, पर इस तरह नकली पैर लेकर उसे युद्ध में जाने की इजाजत कभी नहीं मिलेगी, वो ये भी जानता है। इसी चीज के लिए वो एक दिन अपने ऊंचे अधिकारी के पास गया और उनसे युद्ध में जाने की इजाजत मांगने लगा, मगर अधिकारी के बार बार मना करने के बाद भी निकोलाय कहता रहा, मैं फिर से जाना चाहता हूँ, उन जर्मन्स के सिपाही से फिर लड़ना चाहता हूँ, आज जिस हाल में मैं हूँ वो हाल मैं उनका करना चाहता हूँ। निकोलाय की ऐसी बातें और अपने वतन के लिए कुछ कर गुजरने की हिम्मत को देखकर अधिकारी भी उसे युद्ध में जाने की इजाजत देने से खुद को रोक ना पाया और उसे एक नई मिशन पर भेजा। इस मिशन में उसका काम एक पुल को ध्वस्त करना है, जिससे जर्मन्स के टैंक और सिपाही रूस में ना घुस पाए।
निकोलाई एक बार फिर जहाज लेकर जंग में निकल पड़ा। उसका सामना जर्मन के जहाजों से हुआ और उसने एक एक कर सारे दुश्मन जहाजों को मार गिराया, लेकिन एक आखिरी जहाज उसके पीछे पड़ गया। इस वक्त तक निकोलाई की गोलियां भी खत्म हो चुकी है। वो अपने जहाज को बिल्कुल जमीन के करीब उड़ाता हुआ उसे पुल के पास ले गया और जैसे ही दुश्मनी जहाज उसके करीब आया, उसने जहाज के पीछे से एक स्मोक फायर किया जिससे दुश्मनी जहाज सीधा उस पुल से जा टकराया और वो पुल तबाह हो गया। निकोलाई ने आज अपने दिमाग के इस्तेमाल से अपने इस मिशन को पूरा कर दिखाया। जब वो लौटकर अपने बेस कैंप पहुंचा तो जहाज से उतरते वक्त नकली पैर के कारण उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिर पड़ा। वहां खड़े लोगों ने ये समझा कि निकोलाई शराब के नशे में है, इसीलिए उसके पैर डगमगा रहे हैं। तभी पास खड़े एक जवान ने कहा, निकोलाई ने शराब नहीं पी है बल्कि जंग में उसके पैर बुरी तरह से जख्मी होने के कारण काट दिए गए हैं, मगर उसकी देशभक्ति में ये खामी कभी उसके जोश के आड़े नहीं आई। वो दोबारा लड़ने गया और बड़े ही हिम्मत और साहस से अपना ये मिशन पूरा किया। यही जात होती है एक सच्चे देशभक्त की। ये सुन वहां खड़े सारे जवान निकोलाई को सम्मानजनक नजरों से देखने लगे और सबने एक साथ उसे सलामी दी। इसी के साथ मैं ये सच्चे देशभक्त की कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही नई कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक कीप लिसनिंग, कीप लविंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।